गर्मियों में जैसे ही तापमान बढ़ता है गुजरात की मिट्टी बिक्री के लिए सूचीबद्ध हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मनीष न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर जलगांव से सामने आ रही है। मार्च का दूसरा हफ्ता बीत चुका है, पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नागरिक गर्मी से बचने के लिए रसीले फल और ठंडे पानी की मांग कर रहे हैं, जबकि गरीब के घर का फ्रिज माना जाने वाला मिट्टी का गणित अब बाजार में दिख रहा है। गुजरात की मिट्टी से बना लाल मठ बिहार के नागरिकों द्वारा बाजार में खूब देखा जा रहा है। वहां से वे आसपास के गांव और तालुकों में आ गए हैं। वे बिक्री के लिए सिर पर माथा लादे घूम रहे हैं। पिछले साल मठ की कीमत कम थी, लेकिन सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के वजह से इस साल लाल माथा भी बढ़ा है। खरीदते वक्त दाम बता देते हैं, लेकिन अगर वह मुनासिब हो तो बेचने वाले यही सवाल करते हैं कि भुगतान कैसे करें। इसके चलते बढ़ती महंगाई का असर आम लोगों पर पड़ रहा है, इसलिए गरीबों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए फ्रिज की कीमत बढ़ा दी गई है। यह कीमत बताती है कि गरीबों को इसे खरीदने के बारे में सोचना होगा, लेकिन चूंकि देश के नागरिक गुजरात से अन्य राज्य भी सामान बेचने आ रहे हैं, उन्हें भी कीमत बढ़ाने के लिए नागरिकों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात से सर, शेरपुर, 280 रुपये का। पिछले साल वही 170 60 80 था। इस साल भाव बढ़ेगा नहीं तो क्या कमाएगा सर? भाव तो करता है ना, देना पड़ेगा ना। सही भाव देगा तो देगा, नहीं परिवर्तन तो कौन देगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पनवेल नगर निगम द्वारा टैक्स बढ़ाए जाने के खिलाफ सड़क पर उतरे महाविकास आघाड़ी। यह खबर नवी मुंबई से सामने आई है। पनवेल नगर निगम की दमनकारी कराधान व्यवस्था से आम नागरिक त्रस्त है, इसलिए महाविकास आघाड़ी इस टैक्स व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। पनवेल नगर निगम जो 2016 में अस्तित्व में आया, पहले कुछ वर्षों तक नागरिकों से संपत्ति कर नहीं वसूला था, लेकिन पिछले 2 साल से नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। चूंकि ये नोटिस नागरिकों के बीच पूर्वव्यापी प्रभाव से भेजे जाते हैं, साथ ही चूंकि नगर निगम के अस्तित्व में आने के बाद भी सिडको प्राधिकरण द्वारा की गई नागरिक सेवाएं प्रदान की जा रही है, इसलिए सिडको प्राधिकरण द्वारा सेवा शुल्क भी लिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पनवेल करों पर दोहरे संपत्ति कर का बोझ डाला जा रहा है। महाविकास आघाड़ी ने पहले कई विरोध और अनशन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नगर पालिका ने जवाब नहीं दिया। आखिरकार आज इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई देने का संकल्प इस समय व्यक्त किया गया है। पनवेल नगर निगम में बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन अब प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है और महाविकास आघाड़ी के नेता आज सड़कों पर उतरकर इस बात का विरोध करने लगे कि प्रशासन जानबूझकर मामले की अनदेखी कर रहा है। मुळामध्ये पनवेल महानगरपालिकेने कसल्याही प्रकारचा विचार न करताना जी अवाजवी आणि दुर्मी मालमत्ता कर लावलेला आहे त्याचा निषेध करण्याकरता हा सगळ्यांचा मोर्चा आहे। महाविकास आघाडी आणि 95 गाव संघर्ष समितीमुळे आम्ही सगळे एकत्र अनेक वर्ष इथे लढतो आहोत आणि 1 ऑक्टोबर 2016 महानगरपालिकेची स्थापना झाली पनवेल महानगरपालिकेची। 30 सप्टेंबर 2016 जो मालमत्ता कर होता त्याच्यापेक्षा अनेक 5-10 पट हा मालमत्ता कर जास्त आहे आणि तो पूर्वलक्ष्मीप्रमाणे भरायचा आहे। हा जनतेला मंजूर नाही, जनते त्याच्या दिवाळा निघणार आहे, तो कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आज दुर्मी मालमत्ता कर रद्द झाला पाहिजे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विभिन्न मांगों को लेकर डिंडोरी से नासिक तक शुरू हुआ लंबा मार्च। यह खबर नासिक शहर से सामने आई है। नासिक में प्रवेश कर गया हमारी विभिन्न मांगों को लेकर डिंडोरी से नासिक तक कल से शुरू हुआ लॉन्ग मार्च नासिक में प्रवेश कर गया है। इसी पृष्ठभूमि में नासिक के पालक मंत्री दादा भूसे ने कल रात आंदोलनकारियों से चर्चा की, लेकिन चूंकि इस बैठक में कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व विधायक जेपी गावित और अजीत नावले
द्वारा किया गया। आज ये लाल तूफान एक बार फिर नासिक से मुंबई की ओर बढ़ गया है। इस मांग को लेकर अगले दो दिनों में पालक मंत्री ने आश्वासन दिया है कि समाधान निकाल लिया जाएगा। इसलिए यह देखना अहम होगा कि यह लॉन्ग मार्च रुककर मुंबई पहुंचता है या नहीं। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर लाल तूफान मुंबई के ओर बढ़ चुका है। इस लॉन्ग मार्च में 15,000 किसान शामिल हुए हैं। पालक मंत्री दादा भुसे से कल हुई मुलाकात बेनतीजा रही। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती है, पूर्व विधायक जेपी गावित ने दिया। आमचा हा लॉन्ग मार्च आता आम्ही दिंडोरीहून काल सुरू केला, हा मुंबईच्या दिशेने निघालेला आहे। याच्यातल्या प्रमुख मागण्या ज्या आहेत, शेतकऱ्याच्या कांद्याला रास्त भाव मिळाला पाहिजे, जो लाल कांदा आहे त्याला सरकारने अनुदान डिक्लेअर केलं पाहिजे 600 रुपये, आणि जो उन्हाळे कांदा आहे त्या कांद्याला 2,000 रुपये हमी भाव जाहीर केला पाहिजे, निर्यातीचं धोरण निर्माण केलं पाहिजे। त्याचबरोबर आपल्या विजेचं जे लपंडाव आहे तो थांबला पाहिजे, रेग्युलर 12 तास वीज दिवसा ही शेतकऱ्याला दिली पाहिजे, विजेचे बिलं माफ झाले पाहिजेत, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची कर्जे माफ झाली पाहिजेत, त्या आपल्या 2005 नंतर जे सरकारी कर्मचारी लागलेले आहेत त्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्याचं जुन्या पद्धतीने पेन्शन लागू झालं पाहिजे, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे त्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून श्रेणी लागू केली पाहिजे, म्हाताऱ्या लोकांचं पेन्शन ते 4,000 केलं पाहिजे, अशा विविध 14 मागण्या घेऊन आम्ही सरकारकडे निघालेलो आहोत। मागच्या वेळी 2005 आपले 2018 जो मोर्चा काढला होता त्याच्यामध्ये वन जमिनीचे प्रश्न आमचे मुख्य होते, ते सुद्धा अर्धवटल ठेवले गेलेले आहेत। अजून चुकीच्या पद्धतीचा 7-12 आहे, हा दुरुस्त झाला पाहिजे। याच्यासाठी आम्ही नाशिक जिल्ह्यातील संबंध शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन आज मुंबईच्या दिशेने आमचं हे मोर्चा पायी लॉन्ग मार्च हा चालू झालेला आहे। आम्हाला खात्री आहे सरकारने गंभीर्याने दखल घेऊन आमच्या मागण्या ह्या मान्य कराव्यात। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहे मनीष न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।